जो कि वाराणसी से मिल रही है, जिसमें ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। एएसआई का सर्वे 4 अगस्त को इसकी रिपोर्ट सौंपी जानी है। सर्वे रिपोर्ट बजुखाने को छोड़कर बाकी परिसर का आज एएसआई सर्वे होगा। वाराणसी कोर्ट ने एएसआई सर्वे की इजाजत दी थी और सर्वे के दौरान दोनों पक्ष के लोग इस बीच मौजूद रहेंगे ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इस बात का विरोध किया है और इसकी जो कि साफ तौर पे आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है कि सोमवार को एएसआई का जो सर्वेक्षण होना चाहिए, जो सर्वे हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुबह 7 बजे का समय निर्धारित किया गया है जिसमें अब एएसआई सर्वे होगा। विवादित जगह जो है उसको छोड़कर तमाम जो मस्जिद है उसका एएसआई सर्वे किया जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें जो अपडेट मिल रहे हैं वो ये है कि पटना, बिहार और इसी के साथ साथ पटना बिहार उत्तर प्रदेश यानी कि अलग अलग जगह से लगभग 30 सदस्य जो टीम है एएसआई की वो कल रात पहुंच चुकी थी वाराणसी। अब एएसआई जो है सर्वे का काम कुछ ही देर में शुरू करेगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मदन मोहन इस पूरी खबर पर बने हैं। मदन, देखिए लगभग 7 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब एएसआई सर्वे का काम, ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। देखिए अब ये गेट जो है वो खुलने वाला है, तस्वीर जरा आप देखिए, भारी सुरक्षा व्यवस्था है, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच अब एएसआई जो है वह सर्वे करेगा। न्यूज इंडिया ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए आज ये एएसआई जो है सर्वेक्षण करेगा और कहा जा रहा है कि जो विवादित जगह है उसे छोड़ दिया जाए तो पूरी की पूरी जो मस्जिद है उसका सर्वेक्षण किया जाना है। हालांकि अंजुमन इंतजामिया जो मसाजिद कमेटी है इस बात का लगातार विरोध कर रही थी, इसके लिए बकायदा सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी और दाखिल करके ये बात कही गई कि वह जो सोमवार को यानी कि आज जो सर्वेक्षण हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन अब देखिए ये जो गेट है, मस्जिद का गेट खुल रहा है, भारी सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त चाक चौबंद यहाँ पर कर रखी है, तो वजू खाने को छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा सारी मस्जिद का एएसआई सर्वेक्षण किया जाएगा। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा कि कार्बन डेटिंग की जो खबर भी सामने आई थी, कार्बन डेटिंग की बात को इनकार कर दिया था, लेकिन इसके बाद हिंदू पक्ष ने सर्वे कराने की मांग की थी और इस मांग को स्वीकार किया गया और अब एएसआई जो है सर्वेक्षण का काम शुरू करेगा थोड़ी ही देर में। देखिए रिप्रोडक्शन पुलिस फोर्स तैनात की गई है, इसी के साथ साथ भारी सुरक्षा बल के बीच एएसआई सर्वेक्षण का काम शुरू करने जा रहा है जिसका समय 7 बजे है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। आज वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था माकूल है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है जो कि एएसआई अब सर्वेक्षण करेगा। तो 7 बजे का समय निर्धारित किया गया है। हालांकि आपको लगातार ये भी हम बता रहे हैं कि अंजुमन इंतजामिया जो मसाजिद कमेटी है उन्होंने जिला जज के आदेश के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला देकर सर्वे की जो तिथि है उसे आगे रखने की मांग की गई थी, लेकिन उसको अभी फिलहाल स्वीकार नहीं किया गया है। ये गेट नंबर 4 की तस्वीर जरा आप देखिए, भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। मदन मोहन हमारे संवाददाता लगातार बने इस पूरी खबर पर। मदन देखिए जो तस्वीरें आप हम तक पहुँचा रहे हैं, आपके कैमरामैन जो तस्वीरें पहुँचा रहे हैं वो तमाम तस्वीरें हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जरा ये बताइए सर्वेक्षण का जो वक्त है वो 7 बजे से निर्धारित किया गया है, इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था हम देख पा रहे हैं चाक चौबंद की गई है, कहा यह भी जा रहा है कि 30 सदस्य जो एएसआई की टीम है वो भी पहुंच चुकी है। हमारे मंदिर को मस्जिद बोलते हैं, वही सत्य तो हम लोग सामने लाना चाह रहे हैं, तो क्यों पीछे हट रहे हैं? पीछे हट रहे इसका मतलब है कि उनके मन में खोट है, वो जान रहे सच्चाई को। तो आज कहां कहां का सर्वे होगा ये तो अभी जो हमारे टीम है वो तय करेगी। कहां कहां का सर्वे होना है, किन किन बिंदुओं पे सर्वे करेंगे? कई बिंदु है, जैसे वो आपने देखा शिखर, देखा है शिखर के नीचे
जो आप तीन गुंबद देखते हैं उसके नीचे शिखर बना हुआ है मंदिर का, वो तीनों शिखर है। उसके नीचे आप जमीन पे जाएंगे तो जब आप वहाँ पे पैर को अपने रखेंगे तो ऐसा जरा भी पैर वहाँ पटके ऐसा महसूस होगा कि अंदर खोखला है, कुछ ना कुछ तो है। तो वो सत्य जो छुपाया जा रहा है वो सारा सामने आएगा, हम लोग की आस्था के साथ आज से विज्ञान भी जुड़ जाएगा। आप लोग खुशी भी बहुत जाहिर कर रही है, ये खुशी क्या बताने की कोशिश कर रही है? काफी लंबा हम लोग इंतजार किए हैं, बहुत मेहनत की है हमारे अधिवक्तागण। मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा उन लोगों ने, जैसे विष्णु शंकर जैन जी हैं, उन लोग की मेहनत तो मैं कहूंगी महादेव का साक्षात उन लोग पे आशीर्वाद है कि इतना वो लोग मेहनत कर, उनके साथ साथ हम लोग भी जुड़े हुए हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, आज वो मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा। सावन का पहला सोमवार भी है, क्या उम्मीद लगा के रखी है? उम्मीद तो पूरा ही है, भगवान पर से आज से आप देखिएगा क्या क्या प्रमाण निकलने चालू हो जाएंगे, बहुत से प्रमाण ऐसे निकलेंगे कि आप लोग खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि महादेव अपनी नगरी का, महादेव की सारा आशीर्वाद महादेव स्वयं चलाते हैं इसको। सीता जी आज बिल्कुल अच्छी, आज सर्वे है, आज बाबा का दिन भी है और रात भर नींद नहीं आओगी, कितना खुशी है? आपने बिल्कुल सही कहा, रात भर नींद नहीं आई है, मेरे यहाँ गेस्ट भी आए हुए थे, मैं रात के 2:30 बजे बिस्तर पे गई हूँ, उसके बावजूद नींद नहीं आ रही थी, मेरी आँख भी सूजी, इसलिए मैंने आज चश्मा लगाया हुआ है। और बाबा का तीसरा सोमवार है, उनका आशीर्वाद है कि हम लोग का जो आस्था थी उसके साथ विज्ञान भी जुड़ने जा रहा है, वैज्ञानिक पद्धति से जांच होगी तो विज्ञान भी अब हम लोग की आस्था के साथ जुड़ जाएगा, विज्ञान भी ये प्रमाण दे देगा कि ये मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। हम चारों वादनीगढ़ रहेंगी, मैं सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी, रेखा पाठक, हमारे अधिवक्तागण रहेंगे हरिशंकर जैन जी, विष्णु जैन जी और सुभाष नंदन चतुर्वेदी और सुनील त्रिपाठी जी, और साथ में सर्वे टीम रहेगी सारी। खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है, आज का दिन का तो हम लोग इंतजार बरसों से कर रहे थे, आज हम लोग को अपने अब तपस्या का फल मिलने जा रहा है, महादेव का आशीर्वाद है। तो मदन मोहन लगातार हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, वाराणसी से मौजूद हैं। मदन देखिए जिस तरीके से यहाँ पर हिंदू पक्ष को हम देख रहे हैं, खुशी से पूरी नहीं समा रही हैं तमाम जो महिलाएं हैं, क्योंकि आज सर्वे भी होना वाला है, और इसी के साथ साथ देखिए किस तरीके से ये ASI जो है काम करेगा, चूंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और अपने अकॉर्डिंग ये काम करता है, अपने तरीके से काम करता है, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया था कि दोनों ही पक्ष मौजूद रहेंगे, क्या अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के लोग वहां मौजूद होंगे, दूसरा पक्ष मौजूद होगा? पॉलिटिकल विभाग के टीम जो है लगभग 30 टीम जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की जो टीमें थी यहाँ पे पहुंच चुकी है, 7 बजे से ही सर्वे का काम जो है शुरू होना है, और तमाम जो कहा जाए कि जो सर्वे की टीम थी उसके साथ जब वादी गायकन और वादी के अधिवक्ता जो थे वो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, हालांकि अंजुमन इंतजामिया की तरफ से अभी कोई नहीं पहुंचा है, ऐसा भी देखने को मिला है, हालांकि कल जो जिस तरह से देर रात तक जो है दोनों लोगों को जो है बुला करके पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी मौजूद थे, उनको सामने जो है ये रखा गया था कि आप जो है कल मौजूद रहेंगे, ASI की टीम जो है कल जो है सुबह 7 बजे से सर्वे करेगी, ऐसे में कहा जाए तो आज सुबह में जो है यहाँ पे सर्वे की टीम पहुंच गई है, क्योंकि उनको जो है 4 अगस्त तक जो है पूरी रिपोर्ट जो है कोर्ट के समक्ष पेश भी करना है। हालांकि अगर बात करें कि जिस तरह से आदेश जब आया था, आदेश के बाद जो है अंजुमन इंतजामिया जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, और उसके बाद जो है क्या आता है निर्णय ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट के बाद ही पता चलेगा निर्णय का। हालांकि फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है ASI की टीम जो है पहुंच चुकी है, और इसके साथ ही साथ कहा जाए कि वादीगंज जो है और उसके अधिवक्ता भी जो है कहा जाए तो ज्ञानवापी परिसर के अंदर में है, इस तरह से अगर बात किया जा रहा था कि बजू थाने को छोड़ करके जो है पूरे ज्ञानवापी का जो है सर्वे होना है जो है इसको लेकर के आज सर्वे की टीम यहाँ पर पहुंची है, और 4 अगस्त तक जो है इसको जो है एक रिपोर्ट के समक्ष रिपोर्ट भी पेश करना होगा। जी देखिए आज की बात करें, आज से सर्वे की शुरुआत हो जाएगी, 7 बजे का वक्त है और टीमें भी वहां पहुंच चुकी हैं, क्या 7 बजे से लेकर कितने घंटे तक सर्वे डेली किया जाएगा, आज के दिन की बात कर लेते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी मदन? इसका बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से कहा गया कि टाइमिंग का अभी कोई नहीं हुआ है कि कितने बजे तक सर्वे की टीम जो है वो सर्वे करेगी, फिलहाल जो है ये जानकारी जो है नहीं निकल कर आई है, लेकिन जिस तरह से 7 बजे से आदेश किया गया था उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो तमाम
जो यहाँ पे जो बिहार से जो टीम आई है, जो उत्तर प्रदेश की टीम थी यहाँ पे जो है पहुंच चुकी है। साथ ही साथ अगर कहा जाए तो स्थानीय प्रशासन की टीम जो है यहाँ पे मौजूद है। किसी भी प्रकार का अगर यहाँ पे कहा जाए तो भ्रामक खबर जो है वो ना फैलाया जाए, इसको लेकर के प्रशासन लगातार अलर्ट है। सोशल मीडिया के जरिए जो है उनको कहा गया है कि कोई भी ऐसी भ्रामक चीजें जो है सोशल मीडिया पे ना फैलाए। जिस तरह से अगर बात करें कि यहाँ पे आज जो है तीसरा सोमवार है, सावन का तीसरा सोमवार है, उसको लेकर के लाखों श्रद्धालु भी यहाँ पे मौजूद है, बाबा का दर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रशासन के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है कि आज तीसरा सोमवार है, साथ ही साथ जो है सर्वे भी हो रहा है, तो ऐसे में कहा जाए तो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, प्रशासन की बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि सटा हुआ है ये पूरी की पूरी मस्जिद। और इसी के साथ साथ ये भी देखा जाए, कहा गया था कोर्ट के द्वारा भी कि दोनों पक्ष वहां मौजूद रहे, लेकिन यहां पर ये भी कहा जा रहा है कि आज अंजुमन इंतजामिया की ओर से बहिष्कार की बात सामने आ रही है। उन्होंने बहिष्कार किया है कि वह सर्वे में शामिल नहीं होंगे। बिल्कुल, जिस तरह से ये बताना चाहूंगा कि कल जब प्रशासन की टीम जब कहा जाए कि पुलिस कमिश्नर और जिला अधिकारी ने जो है दोनों पक्षों को देर रात बुलाया था, दोनों के पक्ष के सामने जो है ये बात रखी थी कि एसआई की टीम यहाँ पे पहुंच गई है, क्योंकि कोर्ट का ये आदेश था और एसआई की टीम जब यहाँ पहुंची तो दोनों पक्ष को रात में बुलाया गया था। हालांकि कहा जाए कि यहाँ पर सुबह में है वादी प्रचार के लोग जो है यहाँ पे तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अंजुमन इंतजामिया की तरफ से अभी भी कोई ऐसा देख तो नहीं मिला है कि ना ही उनके अधिकारी यहाँ पे दिखे हैं और ना ही कोई कहा जाए तो अंजुमन इंतजामिया के कोई पदाधिकारी जो है यहाँ पे दिखा है। तो ऐसे में कहा जाए कि जिस तरह से अंजुमन इंतजामिया तमाम पहले भी जब कमिश्नर की सर्वे जब हुआ था तो उस समय भी विरोध जो है शुरू हुआ था, उसके बाद जो है आज जब जिला जज की अदालत ने इसको आदेश दिया कि इसका सर्वे होना है, उसके बाद रात को जब कहा जाए प्रशासन की टीम जो है बुलाती है, उनके दोनों पक्षों के साथ बात करती है और रात तक जब सर्वे का होना है तो आज भी जो है अंजुमन जामिया के लोग जो है गदारत है। फिलहाल अगर कहा जाए कि 7 बजे से ये शुरू हो गया है, अभी तक तो कोई अंजुमन जामिया की तरफ से कोई भी ऐसा पदाधिकारी या उनके अधिवक्ता जो है अभी तक तो फिलहाल नहीं पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, देखिये अभी तक नहीं पहुंचे हैं, बहुत सा डर उनके मन में भी है, क्योंकि एएसआई, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने तरीके से काम करेगा, क्योंकि सर्वेक्षण का काम है। यहाँ हिंदू पक्ष की बात करें, जैसे कि हमने आपको दिखाया था और मैं तमाम दर्शकों को हम दिखा रहे थे कि तमाम जो महिलाएं हैं जो याचिकाकर्ता थी, उन्होंने साफ तौर पर बहुत खुशी जाहिर की है। उनको लग रहा है कि मानो आधा केस वो जीत ही गए हों, क्योंकि जिस तरीके से पहले चिन्ह बरामद हुए, शिवलिंग बरामद हुआ, कहा उसको अंजुमन इंतजामिया ने कि शिवलिंग नहीं है ये फव्वारा था, इसके बाद चिन्ह बरामद हुए, तो कहीं ना कहीं जो केस है वो और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है हिंदू पक्ष के लिए भी। मदन, दिक्कत बिल्कुल ही बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जब पहले जो है कमीशन की कार्रवाई की गई थी, उस समय जो है कई ऐसे साक्ष्य जो है मिले थे जिसमें अगर कहा जाए कि हिंदू देवी देवताओं के जो चिन्ह होते हैं, त्रिशूल मिला था, कमल के फूल मिले थे, डबरू के तेल मिले थे, हाथी मिली थी, तो इस तरह से जो भी हिंदू देवी देवताओं के जो वहाँ पे चिन्ह थे, सिंधु मिला था, तो इस तरह से जो है कई ऐसे चीजें जो है साक्ष्य जो है मिले थे। तो ऐसे में अब जो है सर्वे जब होगी तो और भी कई सारी चीजें निकल कर आएंगी, क्योंकि जिस तरह से ज्ञानवापी के बाहरी परिसर का सर्वे होना है, उसके साथ ही साथ जो है तहखाने भी जो है उसका भी सर्वे होगा, तो जिस तरह से है उस सर्वे में जो है क्या निकल कर आता है, तो कहीं ना कहीं अंजुमन इंतजामिया के लोगों में ये डर तो है जरूर है। लेकिन अगर वही अगर बात करें तो हिंदू पक्ष में जो है इस पे खुशी की लहर देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पहले सर्वे हुआ था उसके बाद लगातार जो है हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा था कि जो भी प्रतीक यहाँ पे मिले हैं, अगर सर्वे अगर होता है तो कुछ और भी चीजें जो है निकल करके आएंगी और सामने निकल करके आएंगी, जो कि एक साक्ष्य के तौर पे उसको देखा जा सकता है। तो लगातार इसमें कहा जाए तो इसमें आपको मैं दिखा दूं कि जो यहाँ पे हम ज्ञानवापी के पास में मौजूद है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है यहाँ पे भारी फोर्स जो है यहाँ पे मौजूद है, और जिस तरह से कहा जाए कि आरएफ की टीम यहाँ पे मौजूद है, स्थानीय पुलिस मौजूद है, तो इसका है, और जिस तरह से लगातार ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से हिंदू पक्ष में जो है खुशियों की जो लहर देखी जा रही थी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अपने सहयोगी से दिखाना चाहेंगे कि वो ज्ञान बापी का गुंबद आप सामने में दिखाई दे रहा होगा, दीपिका की ये गुंबद वह गुंबद है, उसके साथ साथ जो है बाहर का जो परिसर है वो जो है आपके सामने में दिखाई दे रहा होगा। तो उसके साथ अगर कहा जाए तो इनके ही ये सर्वे होने हैं, तमाम ऐसी चीजें जो है निकल करके जो है सामने आ सकती है। जब कहा जाए आर्कियोलॉजिकल विभाग का जब ये सर्वे होगा तो सर्वे में जो है कई सारी ऐसी चीजें जो है कई ऐसे साक्ष्य जो है मिलेंगे, क्योंकि अगर अभी बात किया जाए कि पहले भी जब मैंने बताया कि जब कमिश्नर की जब कार्रवाई जब हुई थी, कमिश्नर का जब सर्वे हुआ था तो कई ऐसी सारी चीजें जो है निकल करके आई थी। तो ऐसे में आज जो है आर्कियोलॉजिकल विभाग की टीम जो है यहाँ पे पहुंची है, जिला जज के आदेश के अनुसार जो है यहाँ पे पहुंची है,
तमाम जो कहा जाए तो लगभग 30 की संख्या में यहाँ पे जो है सर्वे की टीम जो है लोग शामिल है। वही अगर कहा जाए तो पादी पक्षकार के जो थे, पादी के महिलाएं जो थी उनके अधिवक्ता थे, लगभग कहा जाए तो टोटल अगर आकलन किया जाए तो 50 की संख्या में लोग अभी जो है ज्ञानवापी परिसर के अंदर में है। जी चलिए, 50 से ज्यादा लोग अंदर मौजूद है। देखिए ये तो है ही, सर्वे की 30 टीमें जो लोग हैं वो 30 लोग जो सदस्य टीम है वो वहां मौजूद होगा ही, साथ में इसके अलावा हिंदू पक्ष के लोग मौजूद होंगे। क्या और भी लोग मौजूद होने की संभावना है? चूंकि यहाँ पर जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वह तो इसका विरोध कर ही रहे हैं और इसका बहिष्कार किया जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन अंदर रहेंगे? आप लगभग 50 की संख्या बता रहे हैं। देखिए कहा जाए तो संख्या जो है सीमित है, क्योंकि कल जब बैठक जब हुई थी तो इसमें ये निर्णय लिया गया था कि जो हिंदू पक्षकार के लोग हैं उनके जो अधिवक्ता हैं और वादी हैं वो शामिल होंगे, साथ ही साथ जो है कहा जाए कि अंजुमन इंतजामिया के जो अधिवक्ता हैं वो शामिल होंगे, तो इनको कुल मिलाकर के अगर बात किया जाना था तो 50 के लोग जो है यहाँ पे शामिल होंगे। उसके साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन के लोग मौजूद है, कमीशन मौजूद है, जिलाधिकारी मौजूद है, तो तमाम ये लोग जो है मौजूद है। उसके साथ सर्वे की जो 30 टीमें जो 30 लोग जो आए हैं वो मौजूद है। तो इस तरह अभी है फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो अंजुमन इंतजामिया की तरफ से अभी जो है जो जानकारी आ रही है कि अभी भी कोई नहीं पहुंचा है, ऐसा जानकारी अभी चेक करके आ रहा है। लेकिन अगर कहा जाए कि सर्वे की टीम अंदर चली गई है, सर्वे का कार्य 7 बजे से शुरू होना था तो वो जो है अपने सर्वे के काम जो है स्टार्ट हो गया होगा और कितने बजे तक चलेगा अभी इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि आज ये पहला दिन है। हो सकता है कि आज का जो है सर्वे की जब टीम जब वहां पे पहुंचे तो कुछ ऐसी चीजों पर जो है वो देखेगी। उसके बाद जो है कहा जाए कि खुदाई करके भी देखने का है, साथ साथ कहा जाए तहखाने, तो तमाम वो चीजों को पहले लग रहा है कि वो देखेगी अपने उनके साथ जो उनकी टीम है कैमरे के में जो के अगर कहा जाए तो उस पर कैद किया जाएगा। तमाम ऐसी चीजें जो है वो नोट की जाएगी और जो पहले की चीजें है उसको भी जो है देखा जाएगा। उसके बाद बिल्कुल हम कह सकते हैं कि मदन पहला जो दिन होगा वो सर्वेक्षण का होगा, पहले बारीकी से चीजों को देखा जाएगा, परखा जाएगा, उसके बाद कल से जो है वह रफ्तार पकड़ेगी जांच। इसके अलावा ये भी देखिए कि पिछली बार कार्बन डेटिंग की मांग को मना कर दिया गया था, उस मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, तब हिंदू पक्ष को बहुत उम्मीद थी एएसआई सर्वे से, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे से। अब यहां पर सर्वे जो है अब होने जा रहा है, ठीक है, अब जो सर्वे है उसके तरीके जो है ना उसमें भी बहुत बदलाव हो गया है, यानी कि जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाता है एएसआई के द्वारा। तो क्या लगता है यहां पर कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होगा, इस बारे में कोई डिटेल, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई आपको मदन? देखिए दिक्कत जिस तरह से कहा जाए कि जिलाधिकारी ने ये कहा था कि जब जो वहां पे जब सर्वे की टीम जाएगी तो वो पूरा ये देखेगी कि किसी भी प्रकार का वहां पे कोई भी चीज जो है वो क्षति ना पहुंचे, क्योंकि इसका जो है समय का आकलन इसमें करना है कि जो वहां की वास्तविक स्थिति है वो क्या है, कब का है, कितने समय का है, उसके बाद जो है ये सारी चीजें जो है उसमें से निकल करके जब आएगी और किस तरह से वो सर्वे करेगी। तो आज तो ये पहला दिन है, ये तमाम चीजें जो है आर्कियोलॉजिकल विभाग के लोग जो है वहां पे देखेंगे। उसके बाद जो है जिस तरह से कहा जाए कि कार्बन डेटिंग के हिसाब से होगा, ये तमाम वैज्ञानिक विधि के हिसाब से जो है किस जिससे कि किसी भी चीज की क्षति ना पहुंचे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है उसके बाद वो लोग डिसाइड करेंगे कि इसको जो है किस तरह से हम जो है सर्वे कर करके उसकी रिपोर्ट रखें, ताकि जो जिस तरह से न्यायालय का आदेश है वो कहीं भी किसी प्रकार की कोई क्षति भी ना पहुंचे, इसको भी उसको देखना होगा। तो उस तरह से कहा जाए कि तमाम लोग जो है टीम जो है अभी अंदर पहुंच चुकी है और कुछ ही देर के बाद। चलिए मदन, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट आप हमको दे रहे हैं, आगे भी पहुंचाते रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच आपको